टॉप थ्री स्लिम एंड स्टाइलिश स्मार्टफोन। तो भाई आज मैं आपको टॉप थ्री स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि आप 15,000 के बजट रेंज में ले सकते हो अगर आप ही लेना चाहते हो। तो भाई वीडियो को पूरा देख लेना, स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं सीधा नंबर थ्री की। नंबर थ्री की बात करूं, नंबर थ्री पर यार मैंने रखा है सैमसंग गैलेक्सी M21 को। अगर इस स्मार्टफोन की बात करूं, सबसे पहले भाई अगर आपको एक क्लासिक डिज़ाइन चाहिए आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। प्लस इसके कलर वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्यारे देखने को मिलते हैं। प्लस मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी पूरा लोडेड स्मार्टफोन है। मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता देता हूं, ज्यादा डीपली नहीं बताऊंगा, वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो मेन स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, तो आपको यार सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, 6000 mAh की बैटरी मिल जाएगी, 15W का फास्ट चार्जर मिल जाता है, एक्सनॉक्स 9611 प्रोसेसर मिल जाता है। प्रोसेसर इतना तगड़ा नहीं मिलता लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। अगर आप नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो यूट्यूब वीडियो देखने के ज़्यादा शौकीन हो आपके लिए बहुत परफेक्ट होने वाला है। प्लस आपको 6000 mAh की बैटरी मिल जाती है, मतलब एक दिन आपने जितने भी पंगे लेने हैं आप इजीली नॉर्मली ले सकते हो, फोन की बैटरी खत्म नहीं होने वाली। बैक कैमरे की क्वालिटी बहुत सही है लेकिन फ्रंट कैमरे की क्वालिटी इतनी आपको अच्छी नहीं देखने को मिलती। एक माइनस पॉइंट और देखने को मिलता है कि प्लास्टिक बॉडी में देखने को मिलेगा। तो भाई अगर आपने इसको यूज़ करना है, आप नॉर्मली इजीली कर तो सकते हो लेकिन आपको जो केस डालकर इसको यूज़ करना पड़ेगा, नहीं तो स्क्रैच वगैरह आने के डर रहते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम इशू नहीं देखने को मिलेगी अगर आपने लॉन्ग टाइम पीरियड स्मार्टफोन को यूज़ करना है, भी आप कर सकते हो। अगर आप रखना चाहते हो, देखना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो कर सकते हो। प्लस मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि इसका बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप खुद से चेकआउट करना चाहते हो, स्पेसिफिकेशन पढ़ना चाहते हो, जब फोटोज़ वगैरह देखना चाहते हो तो भैया आप देख सकते हो। लिंक वगैरह मैंने प्रोवाइड किया, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अभी आगे बात करते हैं सीधा नंबर टू की। नंबर टू की बात करूँ, नंबर टू पे यार मैंने रखा है रेडमी नोट 10 को। तो यार ये स्मार्टफोन आपको 12,000 से स्टार्ट हो जाता है, 14,000 के बजट तक चला जाता है। मतलब इसके 2 या 3 वेरिएंट आते हैं, जो भी आपके प्राइस रेंज में सेट बैठता है आप उसके और जा सकते हो। ये 3 कलर्स में देखने को मिलता है, तीनों कलर बहुत सही है। एंड बैक साइड में जो कैमरे का डिज़ाइन है लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा अपर है, स्लिम एंड स्टाइलिश डिज़ाइन आप हम इसको बोल सकते हैं। प्लस आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जो कि गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिल जाती है। नया लॉन्च हुआ है, 3 वेरिएंट में देखने को मिलता है। प्लस आपको माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट भी देखने को मिल जाता है। अगर आपको लाइक अगर आप स्टोरेज ज़्यादा रखने के शौकीन हो, जब आप ज़्यादा ही रखते हो तो आप मेमोरी कार्ड जो है वो इसमें लगा सकते हो, डाल सकते हो, ठीक है। आप जितने भी एक्सपेंडेबल करना चाहते हो आप कर सकते हो। प्रोसेसर इसमें आपको तगड़ा नहीं देखने को मिलता, दैट्स वाई मैंने इसको नंबर टू पर रखा। और कोई भी इसका रीज़न ऐसा नहीं देखने को मिलता। आपको स्नैपड्रैगन 678 देखने को मिल जाता है जो कि 11nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड है। तो यार प्रोसेसर इतना भी तगड़ा नहीं है। अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो मैं आपको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करने वाला, ये दोनों फ़ोन आप बिल्कुल भी मत लेना जो मैं आगे फ़ोन बताऊंगा, आप उसके और जा सकते हो। कैमरे की बातों करूँ, इसमें आपको कॉर्ड कैमरा मिल जाएगा जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो, वो भी 30fps पर। आपको 30 MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस आपको 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो यार मेन स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया Redmi Note 10 के भी। यार ज़्यादा डीपली मैं अभी भी नहीं जा रहा, मैं बहुत ही ज़्यादा डीपली आपको बता सकता हूँ लेकिन वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा, कोई भी उसका फायदा वगैरह नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने जाना है Redmi Note 10 की ओर, आप इस स्मार्टफोन की ओर भी जा सकते हो। सच में इसके कलर वगैरह लुक वगैरह ज़्यादा अच्छी देखने को मिलते हैं। एंड जो Redmi के नोट सीरीज़ होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा बिकते हैं। Redmi Note 9 हो गया, जो 9 Pro हो गया, जो 9 Pro Max हो गया, वो बहुत ही बिका था। एंड Redmi Note 10 हो गया, इसका भी डिज़ाइन लुक वाइज बहुत ही ज़्यादा सही है। अगर मैं लुक को नंबर दूँ तो यार मैं 10 में से 9 तो दूंगा, बिकॉज सच में लुक या कलर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा प्यारे देखने को मिल जाते हैं। आगे बात करते हैं नंबर वन की बात करूँ, नंबर वन पर यार मैंने रखा है Redmi Note 9 Pro Max को। पहले इसका प्राइस देखने को मिलता था 16,000 and 70,000, मतलब ये आपको 16,000 से 17,000 के बजट में देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी इसका प्राइस कम हो गया, आपको 40,999 के बजट में देखने को मिल जाता है। लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, इसका ग्रे कलर बहुत ही ज़्यादा सूट करता है, प्लस जिस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी पूरा लोडेड, सो दैट्स वाई मैंने इसको नंबर वन पर रखा और कोई भी रीज़न नहीं देखने को मिलता। आपको कलर डिज़ाइन वगैरह तो पसंद आने वाला है यार, 14,000 के बजट में, जहाँ 14,500 के बजट में आपको ये देखने को मिल जाता है। और क्या चाहिए भाई, आपको 3 कलर्स में देखने को मिलेगा, आपको IPS LCD देखने को मिलेगी जो कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन के साथ देखने को मिलती है। प्लस आपको 60 रिफ्रेश के साथ इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी देखने को मिलेगी, फोन जो है वो 3 मिनट में देखने को मिलता है, जो भी आपके बजट रेंज में सेट बैठता आप उसके और जा सकते हो। आपको स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो कि 8nm टेक्नोलॉजी के साथ बेस्ड। अगर आप हार्डकोर गेमिंग करना चाहते हो, मल्टीटास्किंग करना चाहते हो, आपके लिए ये स्मार्टफोन परफेक्ट डील हो सकता है। कैमरा भी बहुत तगड़ा, आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिस पर आप 4K वीडियो शूट कर सकते हो। सेल्फी की बात करूं, आपको 32 मेगापिक्सल सेल्फी देखने को मिल जाती है,
बैटरी की बात करूँ आपको 5020 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, मतलब आपका एक दिन तो नॉर्मली निकाल देगी। अगर आपने मतलब हार्ड कोर यूज़ करना है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना है, आप इजीली नॉर्मली कर सकते हो, आपको कोई भी इशू प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फुल लोडेड स्मार्टफोन है, अगर आपका बजट 40,999 है तो आप इस स्मार्टफोन की ओर जा सकते हो, परफेक्ट डील। अगर मेरा बजट भी इतना होता तो भाई मैं भी जाता रेडमी नोट 9 प्रो मैक्स की ओर। तो यार अभी मैंने आपको टॉप 3 स्मार्टफोन बता दिए, सो आई होप कि मैंने घुमा फिरा कर नहीं बताया आपको। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो चली गई, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो, लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चैट कर। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।